इलेक्शन आया और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सब लोगों ने मोदी से एक्सपेक्टेशन किया कि मोदी जी ये कर दें, मुझे ये दे दें। तो वाइफ ने कहा कि हम लोग मोदी से कुछ मांगेंगे नहीं, हम लोग मोदी जी को देंगे, पॉलिथिन फ्री रामगढ़। ठीक कहा है किसी ने, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। कहानी झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले उपेंद्र पांडे की है। 7 साल पहले सपना लेकर चले थे पॉलिथीन फ्री रामगढ़ का, पत्नी ने साथ दिया, फिर लोग जुड़ते गए और धीरे धीरे सपनों को उड़ान मिल गई। कहानी शुरू होती है साल 2014 से, जब उपेंद्र दिल्ली गए थे। वहां प्रदूषण का हाल देखा तो रहा नहीं गया, प्रण किया कि रामगढ़ को दिल्ली नहीं बनने देंगे, शहर को पॉलिथीन मुक्त करने का बीड़ा उठाया। तब से लेकर आज तक 7 सालों में 60 टन से ज्यादा वेस्ट प्लास्टिक को गमले के रूप में विकसित कर पौधों का दान कर चुके हैं। 2013 में हम लोग दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में जो प्रदूषण का हाल है वो बहुत ही ख़राब रहा। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे रामगढ़ में स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो अपने इस गार्डन में उस समय कम गमले थे, हम लोग सोचा कि इसी पर कुछ करेंगे। उसके बाद इलेक्शन आया और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सब लोगों ने मोदी से एक्सपेक्टेशन किया कि मोदी जी ये कर दें, मुझे ये दे दें। तो वाइफ ने कहा कि हम लोग मोदी से कुछ मांगेंगे नहीं, हम लोग मोदी जी को देंगे, पॉलिथीन फ्री रामगढ़। प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर पॉलिथीन फ्री रामगढ़ के मिशन को साकार करने में जुटे उपेंद्र बताते हैं कि शुरू में समझ नहीं आया इसे कैसे करेंगे। फिर पत्नी ने कहा, आप केवल पौधों का इंतजाम कीजिए, प्लास्टिक हम इकट्ठा करवा लेंगे। उपेंद्र का कहना है कि अब तक भारी मात्रा में पॉलिथीन इकट्ठा हो चुकी है, कई टन प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेज चुके हैं। जो प्लास्टिक मजबूत होती है उसे गमले की शक्ल दे देते हैं और उसमें पौधा लगा देते हैं। 1000 से भी ज्यादा परिवार यहाँ प्लास्टिक लेकर आते हैं और पौधे लेकर जाते हैं। फिर मैंने वाइफ से पूछा कि इसको हम लोग करें कैसे। तो वाइफ ने कहा कि आप केवल पौधा का इंतजाम कीजिए, प्लास्टिक इकट्ठा हम करवा लेंगे। तो उन्होंने जो आसपास में इस मोहल्ले में 8-10 आया है, उसको जो काम करती है दूसरे घरों में, उन्होंने उनको संपर्क किया और उनको मोटिवेट किया कि भाई आप एक काम कीजिए, आप जहाँ भी काम कर रही हैं आप वहाँ से पॉलिथीन लेके आइए और बदले में हम उनको पौधा देंगे, और ये सिलसिला चल बैठ। एक शख्स दिल्ली में इतना परेशान हो जाता है और ये प्रण ले लेता है कि रामगढ़ को दिल्ली नहीं बनने देंगे। सोचिए, ऐसे हजारों लाखों लोग पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठा लें तो क्या होगा। वाकई हमारे मुल्क की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। राजेश कुमार, ईटीवी भारत, रामगढ़।